Yes, action. नाम क्षितिज कोठारी, उम्र 12 साल। देखिए, गौर से देखिए इस चेहरे को, निहारी है। आपको क्या लगता है मेरी उम्र क्या होगी? 14 साल, 15 साल, ग्रेट, 16 साल। अरे यार क्या है, मैंने 6th ग्रेड पास नहीं किया, आपने मुझे 16 साल का बना डाला। 11 साल का छोटा बच्चा हूँ यार मैं अभी, ये थोड़ा भगवान ने थोड़ा घोल किया, मैं इतना बड़ा और मेरी उम्र इतनी छोटी, उसमें मेरी क्या गलती है? मेरा तो सर पक जाता है, आप लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया है। बस में जाता हूँ तो कंडक्टर बोलता है इसका फुल टिकट निकालना पड़ेगा। क्या है, क्यों? मेरे ब्रेन का रोटेशन, रिवोल्यूशन सब हो जाता है उधर के उधर, लेकिन मैं जितना बड़ा हूँ उतनी उम्र नहीं है ना, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता। और उससे भी ज्यादा मतलब, मेरी स्कूल की लड़कियां मुझे भैया बुलाती है। भैया यार कौन, आपको क्या पता क्या होता है? दिल के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पे गिर जाते हैं। आपको क्या पता स्कूल की लड़कियां के भैया बोलती है, इसकी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाता। माँ आती है, हिलाती है, हिलाती है, थप्पड़ लगाती है। उसको क्या पता दिल के टुकड़े होकर दिल गिर गए है, कैसे उठूंगा जल्दी? ये सब उस भगवान की वजह से हुआ है। हाँ ठीक है ठीक है, पता है मुझे आप बहुत बिजी लोग है, सबको सिर्फ मेरे को टोकने को ही टाइम होता है, मेरा सुनने को टाइम नहीं होता है। हाँ जा रहा हूँ, हाँ ठीक है जा रहा हूँ। हेलो, माय नेम इज डेवी, आई एम 6 इयर्स ओल्ड। यस एक्शन। उर्दू बाजार जाइए, उर्दू बाजार जाइए, जमा मस्जिद के चौक जाइए, खुदा बख्श के मोहल्ले जाइए। क्या ये जरूरी है कि आप मेरे ही सर पर चढ़कर बैठे रहे? जाइए जाइए, यहाँ कोई जगह नहीं है आपके रहने के लिए, जाइए। ओके वेल डन। मेहरबान कदरदान और सामने खड़े लिपस्टिक और पाउडर की दुकान, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम। थोड़ा सा बोरिंग था ना। गुड मॉर्निंग पुणे, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त श्रेया सर, आपसे कहना चाहता हूँ कुछ ढेर सारी बातें और सुनाना चाहता हूँ कुछ गरम गरम तड़केदार गाने। तो मेरे साथ बने रहिए आपके फेवरेट रेडियो चैनल जी पर। दोस्तों मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म की आवाजें कुछ खास पसंद है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3, प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आने वाली सिंहगढ़ एक्सप्रेस 1:09:07 पर आ रही है। बस उसके लोड मोड हो गया था मैं। जल्दी से गया मैंने पकड़ी ऑटो रिक्शा, जल्दी से किया मैंने डायरी को फोन, अर्जेंट था भैया। आप जिस क्रमांक पर डायरी करना चाहते हैं वो क्रमांक इस समय व्यस्त है, कृपया लाइन पर बने रहे अथवा कुछ समय बाद फिर से कोशिश करें। थैंक यू, बाय। हाँ मेरा नाम शैवल है और मैं 12 साल का हूँ। बिल्कुल गलत किया है मैंने, घर छोड़ना ही नहीं चाहिए था। माँ की कितनी याद आती है मुझे, मुझे तो बच्चे के कितने सारे कपड़े धोने पड़ते हैं, बर्तन माँचना पड़ता है, उसके साथ झाड़ू भी मारना पड़ता है। मुझे कितनी याद आती है मम्मी की, तो तू कोई है भी नहीं मेरे, मुझे दूध खिलाने के लिए, रात को खाना खिलाने के लिए, और रात को अब तो मुझे बहुत मम्मी की याद आती है, नींद भी नहीं आती ठीक से मुझे। लोग आप बिल्कुल गलत किया मैंने, देखो कितने सारे बच्चे अपने मम्मी के साथ जाते हैं घूमने के लिए, पापा है ये तू, बिल्कुल गलत किया मैंने, पर छोटा ही नहीं चाहिए था, घर पे मेरे को खाने के रास्ता भी नहीं पता, और लेके जाएगा मुझे घर पे। My name is Moksha, I am 7 years old. मैं जा रही हूँ घर छोड़के, मुझे नहीं रहना यहाँ। मेरे फ्रेंड्स कितने खेल रहे होंगे, मम्मी का हाथ का कितना अच्छा खाना बनता था, पापा कितने लाड करते थे, मैं वापस करता हूँ कि
सॉरी बोलूंगी। मम्मी मैं आ रही हूँ। माय नेम इज काव्या, आई एम 8 इयर्स। चलो अब हम क्रिकेट खेलते हैं। ये लगा छक्का, ये मैंने मारा 4। अब मेरी फील्डिंग की बारी आई। अरे कैच छूट गया। तू कितना बुद्धू है, तूने इतना सिंपल कैच भी नहीं पकड़ पाया। अब मैं ऊपर जाके मेरे भाई को बोलने वाला हूँ। भाई भाई क्या है, वो मेरे दोस्तों ने मुझे चिढ़ाया और मारा, तो मैं क्या करूं? जाओ और उन्हें मारो। नहीं नहीं, अगर मैं उन्हें मारूंगा तो वो रोते रोते जाएंगे और उन्हें मम्मी को बोलेंगे। कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा नाम देवाशीष, मैं 10 साल का हूँ। मुझे तबला कॉम्पिटिशन से निकाल दिया, मुझे तबला कॉम्पिटिशन से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैंने सब अच्छा तबला नहीं बजाया। सबसे अच्छा तबला तो मैंने ही बजाया था, सबसे अच्छे बोल तो मैंने ही थे, तब भी मुझे निकाल दिया। लोग कहते मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ नहीं, नहीं मैं पागल नहीं हूँ। सबके तबले तोड़ दूंगा, 10 घंटे प्रैक्टिस करके पहला नंबर मिलाऊंगा और दिखा दूंगा मेरे में कितना टैलेंट है। नमस्ते, मेरा नाम निधि है और मैं 10 साल की हूँ। नया बर्तन बहू पैसे के पेड़ पर उगते हैं? नहीं, ये तो मेरे स्कॉच ब्राइट क्लब पैक का कमाल है। फिर से नया लाई? नहीं, हफ्तों से चल रहा है। डेमो दिखाओ। वाओ, 1 मिनट में बर्तन चमक रहा है, देखिए सासू माँ। हेलो, माय नेम इज विदुषी, आई एम 10 इयर्स ओल्ड। नमस्ते सर, मैं अपना हाथ जोड़ के कहती हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप है जो मेरी मदद कर सकते हैं, नहीं तो मैं सुखी हारी का रोने सुनने वाला। मेरे पति को, मेरे पति को पैचेस हुआ है। उल्टी करते टोल जाता है, उल्टी करते टोल जाता है, उल्टी करते टोल जाता है। ओह हाँ, आपको नहीं पता, सुबह से शाम मुझे उसकी सेवा करना पड़ती है, रात से दोपहर मुझे उसे दवाई खिलाना पड़ती है। मेरे को नहीं पता मैं कैसे जी रही हूँ, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा नाम कल्पिता है, आई एम 11 इयर्स ओल्ड। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम दया टप्पू के पापा गड़ा है। मैं मुंबई के सबसे सुंदर सोसाइटी यानी गोकुलधाम सोसाइटी में रहती हूँ। उस बड़ी से सोसाइटी में मेरा छोटा सा घर बस गया है। टप्पू के पापा मेरे पति, टप्पू मेरा छोटा लाल, और बापू जी मेरे ससुर जी, माता जी मैं आपको कुछ बताना तो भूल ही गई। वो हमारी सोसाइटी में एक बार एक भूत ले आई थी, उसने हमारी सोसाइटी पे बुरी नजर डाली थी। उसके दूसरे दिन ही मैंने अहमदाबाद माँ को फोन किया। हेलो माँ, कैसी है? घर पे कैसे है सब लोग? ठीक है। अच्छा भाई, खाने में क्या बनाया तूने आज? मैं बात बताना तो भूल ही गई, वो क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी में तो उपाय बताना कैसे उसको दूर भगाए। अच्छा मैंने उपाय आज ही आजमा के देखूंगी। हाँ, घर पे सब लोग ठीक है क्या? उनको भी बोल दूंगी। और ये टप्पू के पापा, मैंने आपका नया नाम रखा है भूतलाल। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। और उसके बाद वो भूतनी चली गई, लेकिन कैसे गई ये आपको एपिसोड 2 में पता चलेगा। अभी के लिए बाय। मेरा नाम आयुष है, मैं 7 साल का हूँ।
तुम्हें पता है क्या, कल रात को जब मैं कैरम खेल रहा था ना, जब हुआ कुणाल ने ना क्वीन चोरी कर लिया, तो मैंने उसको बोला क्वीन चोरी नहीं करने का यहाँ पे, तो उसने बोला कि अंडरटेकर का कार्ड ना क्वीन मुझको रखने दो, तो मैंने उसको 1,00,000 का मारा, और अंडरटेकर का फोटो और क्वीन मेरे पास यहाँ पे, उसको बोला कि भगवान ही लेगा ले।